Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I'm Keshav Malpani, as usual in front of you, with two very important topics in this 9:15 session. I think ये दोनों topics आपने recently you would have gone through the newspapers, you must have seen somewhere. Gaganyaan, sorry, the first one is going to be the Raman Magsaysay Award. Although we'll start with Gaganyaan, but on this side it's the Raman Magsaysay Award, a very important award considering our continent, Asia का one of the topmost awards है. This year it becomes all the more important for us because इस साल एक Indian को दिया गया है. So we'll discuss as to who this person is, है ना, क्यों दिया गया है, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, everything about that you need to know about this Raman Magsaysay Award. The second topic we discuss today is the Gaganyaan mission, or in fact this is going to be the first topic. This is on this side. Gaganyaan topic mission के बारे में हम लोग हर सब कुछ समझेंगे, because अभी recently on this last Saturday there was, you would say, some kind of a test happened. वो क्या टेस्ट था, क्या क्या गगनयान में होने वाला है, how is it different from Chandrayaan? So we'll discuss all of that in this particular session. So Chandrayaan is one of the most important topics, I think everybody would agree and understand in this particular year. Agar aapko Chandrayaan se question aaya, there is a good chance ki kuch na kuch Gaganyaan se bhi pooch liya jaye. So always have this in mind that CLAT has a tendency, all the other law entrance exam that you write, they have a tendency of asking questions from aas paas ke topics. So Chandrayaan ke question agar unhone diye to wo 5 nahi denge, ho sakta hai 2 ya 3 hi de. Do question aage piche se kahin se denge. So this could be one of the very important topics. Ho sakta hai पूरा 5 नंबर का भी इसमें से आ जाए. सो है ना, इसको प्रॉपरली नोट्स बनाना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इफ आई विजिबल एंड ऑडिबल. सो वी कैन क्विकली स्टार्ट विद दिस. ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक, गुड टू सी यू ऑल हियर. राइट, तो हम लोग यहां पर इन दो टॉपिक्स को काफी डिटेल में करने वाले. आई विल स्टार्ट विद द गगनयान मिशन. और अभी अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि अब लोग अब न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें क्या. माय आंसर टू यू इज नो. आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ न्यूज़पेपर एनीवे वी डोंट रीड टू मच फॉर करंट अफेयर्स. ठीक है, ओनली 10% ऑफ योर करंट अफेयर्स विल बी कंप्लीटेड बाय न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर आपका सिर्फ उतना करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं, ये आपको बताते हैं कि आजकल न्यूज में चल क्या रहा है. दे डोंट गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रक्चर कि मतलब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पढ़नी है उस टॉपिक में से. न्यूज़पेपर वी रीड बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव आर रीडिंग स्पीड. न्यूज़पेपर वी रीड बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दोज डिफिकल्ट पैसेजेस, वी वॉन्ट टू इंटरप्रेट देम. तो अगर वो प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हो, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे, है ना. डोंट लुक फॉर शॉर्टकट, शॉर्टकट ढूंढने से कुछ फायदा नहीं होगा. राइट, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज द गगनयान मिशन. सो इसरो ने अपना एक टेस्ट फ्लाइट किया था ऑन दिस लास्ट सैटरडे ऑफ गगनयान. तो गगन इज आसमान, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ इंडियाज मेजर स्पेस मिशंस दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. ओके, तो यहां पे अभी श्रीहरिकोटा से रिसेंटली, श्रीहरिकोटा में इंडिया की जो मोस्टली जो लॉन्चेस होते हैं इंक्लूडिंग द चंद्रयान हैपेंड फ्रॉम हियर. तो श्रीहरिकोटा से एक गगनयान स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है. Now see, understand, this is not the real actual Gaganyaan. ये एक टेस्ट मिसाइल था जो बेसिकली ये चेक करने के लिए भेजा गया था. देखो, हम लोग जब अपने एस्ट्रोनॉट भेजेंगे ना, तो सिर्फ एस्ट्रोनॉट भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोज एस्ट्रोनॉट्स बैक टू द अर्थ सेफ, बैक टू आर कंट्री सेफ. राइट, सो इसीलिए दिस पर्टिकुलर मिशन वॉज टू अंडरस्टैंड कि इन केस वी वॉन्ट टू अबॉर्ट दिस मिशन मिडवे, कि हमको भाई रस्ते में ही खत्म करना है किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो हम किस तरह से करेंगे, क्या हमारे पास वो रिक्विजिट तरीका है, और वो तरीका है तो वो कैसा है. सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टेस्ट वाज द फर्स्ट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1. टोटल 2 ऐसे मिशन किए जाएंगे, उसका पहला ये था. सो दिस वॉज बेसिकली एन अबॉर्ट मिशन, ऑल्दो कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से ऐसा लग रहा था कि अबॉर्ट मिशन ही अबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन वी वर एबल टू सक्सेसफुली लॉन्च इट. तो ये काफी एक मेजर माइलस्टोन है हमारे लिए, दैट इफ वी वांट टू गेट आर एस्ट्रोनॉट्स बैक, हाउ वुड वी डू दैट, हाउ टू डू दैट वाज बेसिकली अ टास्क, एंड वी वर क्वाइट सक्सेसफुल इन लॉन्चिंग दिस राइट नाउ. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो फटाफट फटाफट नोट करा करो, है ना. अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं टेक्निकल ग्लिच से अबॉर्ट होने वाला था, बट वो बच गया. अब मिशन एम्ड एट टेस्टिंग द क्रू एस्केप सिस्टम. एस्केप मतलब क्या होता है, कहीं से निकल के भागना, है ना, कहीं से निकल जाना. सो दिस इज व्हाट इट इज. क्रू का जो भी, क्रू मतलब द एस्ट्रोनॉट्स, तो क्रू का जो एस्केप सिस्टम होगा ना, उसके लिए फॉर द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान. सो गगनयान इन द एंड, अभी तो थोड़े हम टेस्ट करेंगे, इन द एंड इट इज गोइंग टू सेंड ह्यूमंस टू इनटू स्पेस. तो इंडिया ने ये अभी तक नहीं किया है. अब आप बोलोगे सर इंडियंस तो गए हुए हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स. इंडियन स्पेस क्राफ्ट में कोई भी नहीं गया था उनमें से, है ना. ऑल ऑफ देम वेंट नासा स्पुतनिक, मतलब बेसिकली नासा और
यूएसएसआर के जो स्पेसक्राफ्ट है ना उनसे, इंडियन स्पेसक्राफ्ट से नहीं गए थे लोग, राइट? सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल सेंड समबडी थ्रू इंडियन स्पेसक्राफ्ट, राइट? तो यहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस पर्टिकुलर टीवी डी वन ही बार बार बोलूंगा, इट मीन्स टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन वन, पहला मिशन है ये. सो इट इज फर्स्ट ऑफ द टू अबॉर्ट मिशन टू टेस्ट द क्रू सेफ्टी मैकेनिजम्स ऑफ द मिशन. देयर विल बी टू टोटली, वन हैज बीन डन. सो दिस वाज द फर्स्ट मिशन, राइट? तो दिस वाज बेसिकली टू टेस्ट वेदर क्रू का जो अबॉर्ट कभी करेंगे, इफ दे वॉन्ट टू अबॉर्ट द मिशन, हाउ वुड दे डू दैट. ओके, या राइट. तो यहां पर जो टीवी डी वन है, द न्यू टेस्ट व्हीकल वॉज बिल्ट एक्सक्लूसिवली. देखो इंडिया में क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ. सो द जनरली जो हमारे पास स्पेसक्राफ्ट मतलब जिसमें हम लॉन्च करते हैं ना, तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है? एक होते हैं पीएसएलवी, विच इज, बताओ क्या होते हैं, कोई कौन कॉमेंट में बता सकते हैं पीएसएलवी का फुल फॉर्म? एनीबडी यू कैन टेल मी पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी? वेरी गुड, इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और दूसरा होता है जीएसएलवी. जीएसएलवी का फुल फॉर्म भी बस पी और एस ही चेंज होते हैं इसमें, ठीक है? इसका पोलर होता है, उसका जियो सिंक्रोनस होता है, बाकी इट्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है? तो पोलर लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल. नाउ अभी तक ऑल द टेस्ट दैट वी हैड डन बिफोर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, हमने या तो पीएसएलवी पे किया था या जीएसएलवी पे किया था. नाउ द प्रॉब्लम इज कि एक तो इनको बनाना इज यू वुड से क्वाइट डिफिकल्ट, है ना? इनको बनाना इज नॉट वेरी इजी. सेकेंडली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, है ना? बहुत एक्सपेंसिव है ये. सो व्हेन इट इज सो एक्सपेंसिव, व्हाई वुड यू इनकर दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन जस्ट अ टेस्ट? सो इट्स बेटर दैट वी हैव समथिंग दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव. एंड इंडिया तो हमने चंद्रयान जिस तरह से किया, वी ऑलवेज लुक टुवर्ड दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. वी डोंट हैव मनी टू बर्न अननेसेसरली, राइट? तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर पीएसएलवी एंड जीएसएलवी लॉन्चेस, वी डिड दिस. द प्राइमरी पर्पस वॉज टू रिड्यूस दैट सब्सटेंशियल कॉस्ट जो इसके साथ आती है, उस कॉस्ट को कम करना वॉज अ मेन रीजन विच इज एसोसिएटेड विद दिस टेस्टिंग द क्रू मॉड्यूल. तो क्रू मॉड्यूल मतलब जहां पर क्रू बैठेगा, क्रू रहेगा, वो कैसा बनेगा, तो उसको टेस्ट करने के लिए अभी तक हम पीएसएलवी जीएसएलवी का यूज लेते थे. अभी पहली बार हमने इसका टीवी डी वन का ले लिया, सो दैट वी आर डूइंग इट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड दिस इज वेरी क्विक. इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो ये जो पूरा क्रू मॉड्यूल है, दिस विल टेक ह्यूमंस इनटू स्पेस अल्टीमेटली. एंड अब धीरे धीरे तो पहले हम एक रोबोट को भेजेंगे, वो सब मैं सिखाऊंगा आगे, अल्टीमेटली एंड में ह्यूमंस जाएंगे, राइट? तो अपना नाम लिखवा सकते हो और आपको भी चांस दिया जा सकता है. अब ये लिखना नहीं है, बट जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 9000 करोड़ इज द रफ कॉस्ट ऑफ द एंटायर मिशन फ्रॉम टेस्टिंग टिल द एंड, ठीक है? तो इट इज एस्टिमेटेड बजट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9000 करोड़, एंड टेस्ट व्हीकल इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट डेवलप्ड बाय बेसिकली टू अबॉर्ट मिशन, की भाई अबॉर्ट किस तरह से करेंगे इफ वी एवर डू इट. तो एक तरह से ये टेस्ट व्हीकल बनाया गया था एंड वी वर सक्सेसफुली एबल टू डू दैट, ओके? है ना? ये कौन लड़ रहा है यहाँ पे? यू आर ऑल एनिमीज इन क्लैट. तो यार यहाँ पर आके क्यों लड़ रहे हो? यहाँ पर पढ़ाई करने आओ. यहाँ पर अगर ये सब करने आओगे ना, तो फिर क्लैट ही आपका एनिमी बन जाएगा, है ना? और वो वहीं से आपको पेपर देख के रुला देगा. तो ये पेलोड, पेलोड का मतलब होता है जो टोटल, वो जो भी मतलब गया था ना, जो ये पूरा बना हुआ था, इसमें तीन चीजें रहती है टोटल. एक होता है क्रू मॉड्यूल, ठीक है? क्रू मॉड्यूल इज बेसिकली वेयर द क्रू वुड स्टे. सेकेंड, क्रू एस्केप सिस्टम. तो ये जो वन और थ्री है ना, ये इसके अराउंड ही है, क्योंकि ये हमारा मेजर पॉइंट था. दिस इज वाई वी वॉन्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? दिस इज वॉट वी ट्राइंग टू टेस्ट. सो इट वॉज द क्रू एस्केप सिस्टम दैट वी आर ट्राइंग टू टेस्ट, ठीक है? देन देयर वाज सीएम फेयरिंग. सीएम फेयरिंग इज बेसिकली कि देखो अब क्या होता है, ये कोई बस नहीं है ना कि भाई बस रोकी और उतर गए. इट इज नॉट लाइक दैट. कितना तेज चलता है, कितना तेज ऊपर नीचे आता है जो हमारा पूरा एक तरह से जो एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट वगैरह होता है ना, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा आफ्टर दिस हैज हैपेंड, तो ये भी चेक करना पड़ता है. इट इज नॉट जस्ट कि एक बार क्रू उतर गया तो उतर गया. इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट. वो मूवीज में देखते हैं ना, रॉकेट है, रॉकेट आपने छोड़ दिया, वो घूम घूम के वापस आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है. समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट एज टू व्हाट वुड हैपन वंस द क्रू हैज अबॉर्टेड द मिशन एंड दे एस्केप्ड आउट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, है ना? व्हाट वुड हैपन टू देम एंड लाइक किस तरह से वो एस्केप कर पाते हैं,
राइट. तो ये तीन मेजर पेलोड थे दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. ओके, वाई आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कीपिंग भोपाल ओवर जोधपुर? यार देखो मैं आपको बताता हूँ ना, कई बार गलत एडवाइस ले लेते हैं लोग. एडवाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है लाइफ में. ये मैं भी किसी को रिसेंटली बोलते हुए सुन रहा था कि एडवाइस लेना, किसी इंसान से आप एडवाइस ले रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कितने भी होशियार हो, है ना. जैसे मतलब आप महाभारत की बात करें तो कौरव पांडव दोनों के साथ ही गलत हुआ था. एक एडवाइस लेने गया कृष्ण के पास और एक एडवाइस लेने गया शकुनी के पास, राइट. तो अर्जुन कृष्ण के पास गया, इसीलिए उसकी एडवाइस, उनकी एडवाइस लेकर ही वॉज एबल टू बी सक्सेसफुल देयर, राइट. तो यहाँ पर यही, इसीलिए एडवाइस लेना बहुत सही आदमी से जरूरी है ना. और मेरा नाम भी केशव है, तो केशव कृष्ण भगवान का नाम है अपेरेंटली, ठीक है. तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, तो आप चिंता मत करो, आप जोधपुर ऊपर रखो, राइट. तो यहाँ पे गगनयान इज बेसिकली ऑब्वियसली डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 2024 में, नेक्स्ट ईयर वी एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड, ठीक है. अगले साल ये लॉन्च होएगा मोस्टली, और पहले ये 2022 में होने वाला था, बट फिर कोविड के रीजन की वजह से वी वर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज के बीच में 2021 में काम ठीक से हो नहीं पाया, तो एज अ रिजल्ट ये आगे बढ़ गया, है ना. तो इसीलिए द मिशन वॉज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन 22, बट वो हो नहीं पाया 22 में बिकॉज ऑफ कोविड. तो इनफैक्ट इसको लास्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में होगा, है ना, 22 सेप्टेम्बर में एक्सपेक्टेड था, बट इट डिड नॉट हैपन. अब 24 में मोस्टली हो जाएगा, ठीक है. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी एंड इसरो हैज रिलीज गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान एज वेल. साथ में मिलकर इंडियन नेवी भी लिख लेना यहाँ पे, है ना. तो वेयर वुड द रिकवरी बी डन? एट वॉटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी एट INS गरुड़ इन कोची. प्लीज राइट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिख लो ये. तो 26 मिनट से सोच रहा था, नोटिफिकेशन नहीं आई, तो यार तुम खुद ही क्लिक कर लेते एक बार. तुम 26 मिनट से सोच रहे थे, अब इसका मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है. 26 मिनट तो कौन सोचता है ऐसी बात है. सो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया है बैंगलोर में, एंड इट वॉज, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसरो विल सेंड अ ह्यूमनॉइड, मतलब एक तरह से वो रोबोट टाइप का, आदमी जैसा दिखने वाला रोबोट होगा, ठीक है. एंड दैट आदमी जैसा लिखने वाला रोबोट इज कॉल्ड व्योम मित्रा, ठीक है. मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, पहले लिख लो, ठीक है. तो वी विल सेंड अ ह्यूमनॉइड अगर पहला टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो. ओके, तो व्योम मित्रा इज नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमनॉइड, जो रोबोट जैसा, इंसान जैसा रोबोट रहेगा, है ना. इट्स अ संस्कृत वर्ड फॉर स्पेस फ्रेंड. स्पेस फ्रेंड का मतलब संस्कृत वर्ड है ना. तो इट्स अ फीमेल ह्यूमनॉइड दैट वाज अनवील्ड बाय इसरो इन 2019, ठीक है. 2019 में दिस फीमेल ह्यूमनॉइड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इसरो, एंड दिस व्योम मित्रा विल नाउ बी सेंट इनटू स्पेस, ठीक है. तो इंडियन एयरफोर्स ने 4 फाइटर पायलट आइडेंटिफाई करे जो पोटेंशियल क्रू होंगे फॉर द स्पेस मिशन. अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, द नेम्स हैव नॉट कम अहेड, अभी आगे सामने नहीं आया, द गवर्नमेंट हैज नॉट फाइनलाइज्ड देम, बट एयरफोर्स ने 4 लोगों को निकाला है कि दिस कुड बी द पोटेंशियल पीपल हु कुड एक्चुअली गो, एंड द पोटेंशियल क्रू हैड अंडरगॉन बेसिक ट्रेनिंग इन रशिया. सो रशिया हमारी काफी हेल्प करता है इन चीजों में, है ना. तो रशिया में वो लोग ट्रेनिंग करेंगे, एंड इनफैक्ट दे हैव अंडरगॉन दैट ट्रेनिंग. सो अल्टीमेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन 4 में से, हो सकता है चारों जाए, और मतलब कितने लोग भी जाएंगे, तो जब भी वो फाइनली डिसाइड होगा तभी हम नाम डिस्कस कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक आपके क्लैट से पहले होगा. इफ यू आर क्लैट 24 एस्पिरेंट, आई डोंट सी इट टू बी डिस्कस्ड और डिस्क्लोज बिफोर दैट. तो लेट्स सी, अच्छा ही आपका कोर्स कम हो जाएगा, राइट. तो इसरो विल सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट इन 24 आफ्टर असेसिंग द आउटकम ऑफ द 2 ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट. तो वंस वी डू द 2 टेस्ट फ्लाइट, वी विल अंडरस्टैंड कि भाई क्या होगा इसरो का, मतलब सॉरी इस पर्टिकुलर मिशन का. तो फिर उसके बाद में हम लोग प्रॉपर एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, है ना. तो इंडिया वुड बिकम द 4th कंट्री टू डू समथिंग लाइक दिस, टू लॉन्च इट्स ओन क्रूड स्पेस क्राफ्ट, ठीक है. सोवियत यूनियन सबसे पहले, फिर US एंड चाइना हैव ऑलरेडी डन दिस.
तो हम वन ऑफ द टॉप पावर्स है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, मतलब इस तरीके की जो चीजें होती है ना, स्पेस क्राफ्ट या फिर हमने चंद्रयान बनाया है ना, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग आदित्य L1. तो हर चीज पर, चाहे वो सन हो, मून हो, स्पेस हो, हर जगह पर वी आर ट्राइंग टू गेट इन टू द स्पेस एंड वी आर ट्राइंग टू, यू कुड से, एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग, डू अ लॉट ऑफ थिंग एट अ वेरी गुड कॉस्ट. तो इसकी अच्छी बात पता है क्या है, आज सोवियत की टेक्नोलॉजी नो डाउट अच्छी होगी, क्योंकि सोवियत ने तो आज से 50-60 साल पहले भेज दिया था. ठीक है, यूएस के साथ भी सेम है, सेम विद चाइना, बट इनका कॉस्ट इतना ज्यादा है कि लॉट ऑफ कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड. आर मॉडल कैन बी अफोर्डेड बाय अदर कंट्रीज, सो इफ वी डू थिंग सक्सेसफुली वी कैन इजिली सेल इट टू अदर कंट्रीज नाउ, है ना. अगर हम लोग ठीक से कर पाए ये मिशन, हम लोग जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा तरीका है ना, उसको बेच सकते हैं एट अ गुड प्रीमियम. सो दैट्स अ ह्यूज थिंग. हमने जब चंद्रयान डिस्कस किया था, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक मूवी बनी थी इंटरस्टेलर करके, है ना. तो चंद्रयान का जो अगर एक्स कॉस्ट, जैसे 600 करोड़ रुपए कॉस्ट आया था चंद्रयान का, वो मूवी बनने का करीब 1100-1200 रुपए करोड़ कॉस्ट आया था. सोचो, मतलब मूवी कॉस्टेड डबल देन द एक्चुअल एक्चुअल मिशन. तो इस तरीके की जुगाड़बाजी करते हैं हम, है ना, एंड वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम डेवलप्ड अराउंड इट. तो द स्पेस मिशन वॉज अनाउंस इन 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर एंड इट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग 3 मेंबर्स इनटू लोअर अर्थ ऑर्बिट. 3 लोग जाएंगे फाइनली. अब वो कौन होता है वो देखने वाली बात है. और लोअर अर्थ ऑर्बिट इज बेसिकली 300 to 400 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, अर्थ खत्म होके और 300-400 किलोमीटर दूर, तो उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, है ना. दैट पार्ट इज कॉल्ड द लोअर अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, लिख लो प्लीज. इसरो बैंगलोर की जगह बिहार में होना चाहिए. यार ये पॉलिटिकल डिमांड्स प्लीज हमारी क्लास में मत करो, हम सिर्फ फैक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. है ना? सो 3 दिन का मिशन रहेगा, मतलब ऐसा अभी एस्टिमेटेड है. एंड दे विल बी फाइनली ब्रॉट बैक विद अ प्लान्ड लैंडिंग इनटू द इंडियन सी वाटर, क्योंकि लैंड भी नहीं कर सकते वैसी लैंडिंग, है ना. यू कैन ओनली डू इट इनसाइड द सी. तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो पूरा नेवी और आईएसआरओ ने मिलकर बनाया है, सो दैट्स गोइंग टू बी, यू कुड से, प्रॉपर एक सिस्टम होगा कि वो लोग वापस भी कैसे प्रॉपरली आते हैं. तो एक्चुअली कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था, कल्पना चावला वॉज सपोज टू लैंड वेरी सेफली वापस, वाइल शी वॉज सपोज टू लैंड, लास्ट के कुछ मिनट्स में वहां पर प्रॉब्लम आ गई उनके स्पेस क्राफ्ट में एंड इट क्रैश्ड ऑन द सर्फेस. तो इसलिए शी कुडंट सर्वाइव. बट वापस से हम ऐसा नहीं होने देंगे, मतलब दैट वॉज नॉट आवर स्पेस क्राफ्ट एनी वे. तो द इसरो पॉलिसी प्लानिंग कमिटी मेड रिकमेंडेशन फॉर अ मैन्ड स्पेस मिशन इन 2004. इतने टाइम से चल रही है ये बात कि हम लोग एक स्पेस मिशन करेंगे, 2004 से बात चल रही है बाय द इसरो पॉलिसी प्लानिंग कमिटी दैट वी शुड टेक दिस अहेड, हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए. तो तब से ये काफी चर्चा में रहता है, इस पर आगे काम होता है, बिकॉज ये छोटा कोई मिशन नहीं है ना यार, स्पेस में भेज रहे हो किसी को, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप दिस. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमेशा से डेवलपमेंट स्टेज में रहा है. तो प्रिलिमिनरी स्टडीज गगनयान की हुई थी इन द नेम ऑफ ऑर्बिटल व्हीकल इन 2006, ठीक है, एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड इन 2012. तो 2006 से प्रॉपर स्टडी होनी शुरू हुई, है ना. स्टडी का नाम लिख लो, ठीक है, जेनेरिक सा नाम रखा तो ऑर्बिटल व्हीकल एकदम नॉर्मल सा नाम हो गया. तो ठीक, तो 2006 में वो काम होना शुरू, स्टडी होना शुरू हुआ, उसको हमने समझा कि हम लोग कैसे करेंगे, एंड देन 2012 में ये मिशन स्टार्ट हुआ. आप सोच सकते हो, मतलब 2004 से जो मिशन स्टार्ट हुआ होगा और अभी 20 साल बाद वो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, 20 साल बाद. तो कुछ कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट करी है सिर्फ एक मिशन को, एंटायर लाइफ हैज बीन डेडिकेटेड टू अ मिशन. तो मतलब आप सोच सकते हो 20 साल कितने बड़े होते हैं आपकी जिंदगी के. अगर आप साइंटिस्ट हो एक ठीक ठाक जो इस मिशन के लायक हो, तो आप कम से कम 35-36 साल के तो हो, राइट. यू हैव स्पेंड 20 years और ऑलमोस्ट रिटायरिंग नाउ. तो पीपल हैव जेन्युइनली लाइफ, सोचो मतलब हम लोग इतना ज्यादा वो मोह माया में, है ना, मटीरियलिस्टिक थिंग, पैसे पैसा पैसा करते रहते हैं, एंड देर आर पीपल हु आर मेकिंग अस प्राउड. तो वो कहते हैं ना, नॉट ऑल हीरोज वियर केप्स, दीज आर दोज काइंड ऑफ हीरोज, राइट. तो यहाँ पर इसके शेड्यूल के हिसाब से 3 flights विल बी सेंट इन द ऑर्बिट, 3 flights को भेजा जाएगा. उसमें से देयर विल बी 2 unmanned flights जिसमें लोग नहीं होंगे, जैसे वो व्योम मित्रा और वो सब, एंड द 1 जो फिर द फाइनल जाएगा वो ह्यूमन वाला स्पेस फ्लाइट होगा, उसको हम ऑर्बिटल मॉड्यूल बोलते हैं, राइट. दैट्स कॉल्ड एन ऑर्बिटल मॉड्यूल.
अगर मैं क्लैट में फेल हुआ तो मैं पैसे खिला दूंगा कॉलेज वालों को। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको चैट से हटा देता हूँ। अब आप यूट्यूब वालों को खिला दो पैसे वापस आने के लिए। राइट, तो यहां पर द पेलोड ऑफ ऑर्बिटल मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ टू मॉड्यूल्स। ठीक है, दो मॉड्यूल्स पे होते हैं, एक है क्रू मॉड्यूल। ठीक है, क्रू मॉड्यूल क्या होता है? इट द स्पेसक्राफ्ट कैरिंग ह्यूमन बींग्स। क्रू क्रू का मतलब क्या है? क्रू इज ह्यूमन बींग्स, राइट। और एक होता है सर्विस मॉड्यूल। तो सर्विस मॉड्यूल इज पावर्ड बाय टू लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। सर्विस मॉड्यूल मतलब साथ में चलता है आपके, ठीक है ना? एक में क्रू रहता है, तो क्रू थोड़ी कोई रॉकेट के ऊपर बैठे रहेंगे, वो स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे, और एक जो वो चलता है रॉकेट साथ में। तो सर्विस मॉड्यूल इज पावर्ड विद टू लिक्विड प्रोपेलेंट, जो प्रॉपर रॉकेट्स होते हैं, इंजिन होते हैं, उनसे बना हुआ है वो, राइट। अभी पता है ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ कर दो ना, तो ऐसे कई लोग आते हैं कि सर आप अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हो, आप लॉ पढ़ाते हो और आप ऐसे कर रहे हो। यहाँ पर कुछ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, यहाँ पर आई डिसाइड थिंग्स। ठीक है, तो अगर ये सब फालतू चीजें मेरे कॉमेंट बॉक्स में करनी है ना, तो मत आओ क्लास में। जेनुइनली पढ़ने आना हो तो आओ, मेरे को नंबर नहीं बढ़ाना है अपने यूट्यूब से फालतू के। सीरियसली, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, इफ यू जेनुअली वॉन्ट टू मेक एन अटेम्प्ट एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे आएंगे वो सब निकल जाएंगे, बट मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट वो अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, वो रोज पढ़ने आ रहे हैं इस क्लास में, रोज कोशिश कर रहे हैं, है ना? इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months इज बीन डूइंग दिस क्लास नाउ, ऑलमोस्ट 2 months, राइट। कंसिस्टेंटली हम लोग ये करते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट, यू गाइस आर ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट बाय कमिंग हियर एवरी सिंगल डे, राइट। सो लेट्स रिस्पेक्ट दैट, है ना, रिस्पेक्ट बोथ ऑफ अस एंड स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपरली। हाँ, तो यहां पर 8,000 kg इज गोइंग टू बी द वेट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट एंड लिक्विड विद इमरजेंसी एस्केप है, वो जो अभी जो हमने टेस्ट करा है वो सब। ठीक है, तो ऑरेंज कलर सूट प्रोटोटाइप फॉर द मिशन इज डेवलप्ड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन सिचुएटेड इन तिरुवनंतपुरम। अब आप बोलोगे कि ऑरेंज है, ये भी पॉलिटिकल है, अब जो भी है यही है ना? तो इट्स ऑरेंज कलर इज जो सूट है पूरा एस्ट्रोनॉट्स वाला, और ये भी बहुत अलग टाइप का सूट होता है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी पहन के जैकेट बना के भजा दिया, वेरी डिफरेंट। बहुत पैसा लगता है उस बनाने में भी, क्योंकि उसको हल्का भी रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें भी डालनी होती है। राइट, सो इसमें एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेने की कैपेसिटी रहेगी सूट पे, एंड विल अलाउ द एस्ट्रोनॉट टू ब्रीद इन स्पेस फॉर 60 मिनट्स। मतलब 60 मिनट तक वो नॉर्मली स्पेस में ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब अपने स्पेस क्राफ्ट में तो कर ही सकते हैं, बट स्पेस में भी कर सकते हैं निकल के। 60 मिनट्स तक वो सिलेंडर उनको सपोर्ट करेगा, सो दे कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, सो LV-M3 के बारे में बात करते हैं। ये एक लॉन्च व्हीकल आइडेंटिफाई किया गया है फॉर गगनयान। ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mark 3, LVM-3 इज द नेम। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल Mark 3 और LVM-3, जिसको पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 बहुत बड़ा नाम बोलते थे, उसका नाम छोटा करके लॉन्च व्हीकल Mark 3 कर दिया। पहले इसको GSLV-MK3 बोला करते थे, सो द नेम हैज नाउ बी चेंज, इट्स कॉल्ड द लॉन्च व्हीकल Mark 3 नाउ। तो इस पर इसको गगनयान को भेजा जाएगा फाइनली, इज व्हाट इज कुछ इसरो के सोर्सेस से पता चला है। हाँ ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? सो इट इज अ 3-stage मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। एक इस पे सॉलिड स्टेज है, एक लिक्विड स्टेज है, और एक क्रायोजेनिक स्टेज है। क्रायोजेनिक स्टेज वो होता है जब सॉलिड लिक्विड आके दे बर्न समथिंग, एंड वो उसका जो रिजल्टेंट आता है ना, दैट इज द क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, जब वो कुछ बर्न होता है, तो सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। एंड इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट ऑन वेल्यूएम इन 2017 ओनली। तो हमने इसका टेस्ट ऑलरेडी कर लिया, सो वी आर डेवलपिंग दिस क्वाइट प्रॉपरली, क्योंकि उस टाइम में हमारा टेस्ट सक्सेसफुली था, तो उसको और अच्छा करने के लिए वी आर ऑब्वियसली वर्किंग ऑन दिस। तो 2024 में एक्सपेक्टेड है कि यू विल सी गुड थिंग्स। तो अगर इफ समबडी इज अ CLAT 25 एस्पिरेंट हियर, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी टॉट अगेन नेक्स्ट ईयर विद मोर डिटेल्स, बिकॉज देयर विल बी मोर फैक्ट्स। ओके, तो इसरो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 15 अगस्त 1969 को लॉन्च किया गया था बाय विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम।
इसरो इज द स्पेस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, हेडक्वार्टर बैंगलोर में, एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड बैंगलोर इज ऑब्वियसली कैपिटल ऑफ कर्नाटक. ठीक है, लिख सकते हो, यू कैन राइट द ईयर एंड द पर्सन हु एक्चुअली फाउंडेड दिस, दैट मे बी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मेजर ये लिख लो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सिर्फ. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसरो का एक कमर्शियल विंग है, मतलब जो मार्केटिंग आर्म होता है ना इसरो का मेजरली, वो है अंतरिक्ष. एक बहुत बड़ा लास्ट ईयर एक केस आया था देवस अंतरिक्ष करके, एक आर्बिट्रेशन था बहुत बड़ा, है ना, वो अभी इस साल के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट इस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द मार्केटिंग विंग ऑफ इसरो. और अभी आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द करेंट चेयरपर्सन ऑल्सो, इट्स डॉक्टर एस सोमनाथ, है ना, ही इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, राइट, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड विद इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, दैट इज हाउ वी एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दिस, है ना, इस तरह से हम लोग आगे आए. सो इट वॉज द इनकॉस्पार दैट इट स्टार्टेड विद दैट, एंड इट वॉज फाउंडेड, मतलब इसरो देखो 1969 में बना है ना, ये 1962 में बन गया था, इससे हम स्टार्ट किए गए थे. और उसके बाद में 1969 में जब इसरो आया, सो दिस वॉज सुपरसीडेड, मतलब इसको हटा दिया गया. तो 62 से 69 पहले हमारे पास ये था, एंड नाउ वी हैव इसरो फ्रॉम 1969 टिल नाउ, तो अभी हमारे पास इसरो है. ओके, आई वी क्लियर विद दिस, लिख लिया सबने, चलो गुड. फिफ्थ है, 72 में इंडिया ने एक कमीशन बैठाई थी कॉल्ड द स्पेस कमीशन. ठीक है, और उसमें फिर एक तरह से कह सकते हो कि इसरो में प्रॉपरली अपने वो, एक तरह से कह सकते हो इसरो उस समय फिर उभर कर आया, है ना, प्रॉपरली, कि मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं. तो इंडिया ने 1975 में जो इसरो ने आर्यभट्ट करके फर्स्ट सेटेलाइट बनाई थी, है ना, दैट वॉज लॉन्च्ड बाय अस, लाइक इट वॉज लॉन्च बाय, मतलब बेसिकली मेड बाय अस, लॉन्च्ड बाय इंटरकॉस्मोस, बिकॉज वी डिडंट हैव द लॉन्च व्हीकल, सो इट वॉज मेड बाय इसरो एट दैट टाइम एंड लॉन्च बाय रशिया और सोवियत एट दैट टाइम. ठीक है, उसको इंटरकॉस्मोस ने बनाया था, जो वहां का स्पेस क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, वहां का इंटरकॉस्मोस ने बनाया था. ओके, चलो, सो यहां पर कुछ पीपल हु हैव बीन टू द स्पेस. So the first person to set his foot on the space is Yuri Gagarin. ठीक है, first woman is Valentina Tereshkova. ये सारे नाम लिखने बहुत important है. First Indian woman is Kalpana Chawla, and first Indian to do that is Rakesh Sharma. Okay, तो ये चार नाम है important है. मतलब सोचो, हमारा तो स्पेस मिशन फॉर्मली 1962 में स्टार्ट हुआ था, ये 1961 में पहुंच गए थे, इतना आगे था इनका टेक्नोलॉजी सोवियत का उस समय. राइट, चलो, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आई मीन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन, कितने लोग रिकॉग्नाइज करते हैं हु इज दिस पर्सन? अगर आपको आज का सेकंड टॉपिक पता है तो भी शायद बता सकते हो आप, कौन है ये? रवि कनन, है ना. तो दिस पर्सन हैज, इज फ्रॉम आसाम, दिस पर्सन हैज गॉटन दिस इयर्स रामन मैग्सेसे अवार्ड. सो इन दिस सेकंड टॉपिक विल डिस्कस एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द रामन मैग्सेसे अवार्ड, अबाउट हिम एज वेल, इनके बारे में भी हमको जानेंगे और इसको प्रॉपरली आगे बढ़ाएंगे. बिफोर दैट लेट मी क्विकली ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वी हैव लॉन्च्ड एन ऐप रिसेंटली, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ऑन प्ले स्टोर एंड विल बी एबल टू अटेंड अ लॉट ऑफ आर कोर्सेज यूजिंग दिस. ठीक है, दिस इज आवर वेबसाइट एज वेल, दोनों सेम ही है, मतलब आपको फोन में करना है तो ऐप कर लो, लैपटॉप वगैरह में करते हो तो यू कैन डू दी वेबसाइट विच इज 12minutes to clat.com. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यू, देयर इज अ फुल क्रैश कोर्स ऑल्सो, बट यू कैन टेक इंडिविजुअल कोर्सेज एज वेल. तो आप करंट अफेयर्स का कोर्स ले सकते हो, आई डू अ क्लास एवरी इवनिंग, आज भी हमने की थी शाम को, तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग इसमें भी क्लास करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ क्विजेस, वी डू अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास एज वेल. राइट, चलो, तो यहां पर आर रवि कनन फ्रॉम असम इज वन ऑफ द अवार्डीज ऑफ दिस ईयर रामन मैग्सेसे अवार्ड. रामन मैग्सेसे एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है,
ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन इन एशिया, राइट। तो जिसको भी मिलता है उसको काफी ज्यादा एक तरह से एकदम नाम हो जाता है, राइट। तो इनके अलावा दीज अदर पीपल हैव आल्सो गॉटन इट, इनके भी नाम लिख लेना प्लीज, ठीक है। कोरवी रक्षन फ्रॉम बांग्लादेश, यूजीनियो लेमोस फ्रॉम तिमोर लेस्ट, एंड मिरियम कोरोनेल फेरर फ्रॉम फिलीपींस। तो ये तीन अलग अलग जगह के और लोगों को मिला है, तो टोटल फोर पीपल हैव गॉटन इट, वन ऑफ देम इज एन इंडियन, ठीक है। वन ऑफ देम, ये ऑड वन आउट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू शुड नो ऑल ऑफ देम एंड देयर कंट्रीज एज वेल, ठीक है। ओके, हाँ, इट्स लाइक एशियाज नोबेल प्राइज, बिल्कुल। और पहले ही तो काफी सारी कैटेगरीज में दिया जाता था, इट यूज्ड टू बी गिवन इन सिक्स कैटेगरीज अर्लियर, बट नाउ दे हैव ब्रॉट डाउन टू वन कैटेगरी एंड सर्टेन वो कैटेगरी जो बार बार चेंज होती रहती है कुछ कुछ, तो बट एक फिक्स कैटेगरी बची है, ठीक है। लिख लिया सबने ये, तो कॉन्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि किसको क्यों क्यों मिला है। रवि कनन का तो मैं आगे जाके समझाऊंगा ही, तो जो जिनको बांग्लादेश से जिनको मिला है, चैंपियन इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन अमंग दिस कंट्रीज यूथ, कि अपनी कंट्री के यूथ में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया था इन्होंने, इसलिए मिला है इनको। इनको मिला है सेफ गार्ड द एनवायरमेंट एंड इंडिजिनियस कल्चर ऑफ दिस तिमोर लेस्ट। आई एम प्रेटी श्योर मोर देन 80% ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज एन आईलैंड काइंड ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने अपने इंडिजिनियस कल्चर को सेफ गार्ड करने के लिए जो काम किया है उसके लिए इनको मिला है। फिर उसके बाद में ऑल्सो पेविंग द वे सस्टेनेबल इंडिपेंडेंट फूड सप्लाई चेन, कि उस वहां पर किस तरह से कैसे खुद वो फूड इंडिपेंडेंट बन सके, कैसे दे डोंट हैव टू यू कुड से नो रिलाय ऑन अदर कंट्रीज एंड ऑल, तो उस तरह से उन्होंने काम किया, ठीक है। सो दिस इज यूजीनियो लेमोस, दे वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड वेर इन फूड सिक्योरिटी एज वेल एज इंडिजिनस कल्चर को आगे बढ़ाने में, एंड देन कम मेरियम कॉर्नर फेरर, इन्होंने काम किया पीस नेगोशिएटर हु चैंपियन इंक्लूसिविटी एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पीस बिल्डिंग। तो दिस इज दैट एंगल वेर शी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ वुमेन एंड शी बेसिकली इंट्रोड्यूस दैट आइडिया दैट वुमेन शैल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ पीस बिल्डिंग मिशन, है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो इसको एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करके उसको काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। नाउ कम्स द इंडियन, ठीक है, द इंडियन इज मिस्टर रवि कानन। तो ही इज रेवोल्यूशनाइज कैंसर ट्रीटमेंट इन असम थ्रू पीपल सेंटर्ड एंड प्रो पुअर प्रोग्राम। तो ये काफी मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, है ना। तो उस पर उन्होंने काफी काम किया है, तो हेल्थ सेक्टर मान सकते हो अगेन, वेर ही हैज वर्कड रियली हार्ड एंड उस पर इनको दिस पर्टिकुलर अवार्ड हैज बीन गिवन दिस ईयर। ठीक है, खुद भी ऑन्कोलॉजिस्ट है। सो रवि करण का बता देता हूँ, ही इज डायरेक्टर ऑफ असम कचार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, राइट। अब ही वर्क डर द सर्जन, ठीक है, वे सब इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, लेकिन आप समझ सकते हो फिर भी। और उनको पद्मश्री भी अवार्ड किया गया हेल्थ सेक्टर में इन 2020। सो ही वॉज रिसेंटली रिकोगनाइज फॉर हिज एफर्ट्स ऑल्सो, पद्मश्री इनको दिया गया था, राइट। नाउ ही हैज बीन गिवन द रामन मैग्सेसे। तो इनके हॉस्पिटल का नाम लिखना बहुत जरूरी है कि वहां के ये डायरेक्टर है। ओके, सो उसके बाद में इनको एक और अवार्ड मिला था कॉल्ड दी हाहावीर अवार्ड, थोड़ा अजीब नाम है, बट इनको कॉल्ड दी हाहावीर अवार्ड इन 2013। और जब मतलब व्हेन ही हैड स्टार्टेड इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल दैट इज द डायरेक्टर राइट नाउ, बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज थी वहां पे। यहाँ पर ही हैज मेड दैट पर्टिकुलर सिस्टम सो गुड नाउ दैट देयर आर 28 डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना अलग अलग फील्ड्स के, है ना। मतलब कोई हार्ट होता है, कोई कैंसर होता है, कुछ और बीमारियां होती है अलग अलग, तो उसके 28 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, राइट। सो रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। इट्स एन एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज, 1957 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बाय द वे, हु वाज रैमन मैग्सेसे, क्यों उसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड बोलते हैं, कितना अजीब सा नाम है, व्हाई इज इट नॉट कॉल्ड अ नॉर्मल नोबेल प्राइज, व्हाई इज इट कॉल्ड रैमन मैग्सेसे। करेक्ट, रैमन मैग्सेसे वाज़ द सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया था। मैं आपसे आगे और डिस्कस करूंगा,
सो इनके जो ट्रस्टीज हैं दे आर ट्रस्टीज ऑफ रॉकफेलर ब्रदर्स फंड बेस्ड इन न्यूयॉर्क विद कॉन्करेंस ऑफ द फिलिपीन गवर्नमेंट एज वेल. तो फिलिपींस की गवर्नमेंट मतलब सेवेंथ प्रेसिडेंट थे वहीं के. सो दैट इज अ पार्ट एंड दिस रॉकफेलर ब्रदर्स फंड इज द ट्रस्टी. हाँ करेक्ट. ओके सो अवार्ड पर्पज इज टू परपिचुएट द एग्जाम्पल सेट बाय द प्रेसिडेंट. तो उनको माना जाता है पायनियर कई सारी चीजों में सोशल वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें रामन मैग्सेसे के नाम पर वो अवार्ड चलाया गया. इट बिकेम सो प्रोमिनेंट इन द एंटायर कॉन्टिनेंट दैट इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड पूरे कॉन्टिनेंट का, पूरे एशिया का. ठीक है तो यहाँ पर आप मैं आपको बता दूँ कौन सी कैटेगरीज में. ये पहले छह कैटेगरीज में दिया जाता था. व्हेन इट वाज स्टार्टेड इट वाज गिवन इन दीज सिक्स कैटेगरीज. राइट देम डाउन ऑल ऑफ देम. ठीक है गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमरजेंट लीडरशिप. दीज आर द सिक्स कैटेगरीज जब इसमें शुरू में स्टार्ट किया गया था. प्लीज राइट दिस नेम. फटाफट जल्दी जल्दी लिखेंगे हम. ओके चलो एंडिंग दिस नाउ. एंड अभी फाइव ऑफ दीज कैटेगरीज आर एलिमिनेटेड इन 2009. पांच हटा दी. तो कौन सी बची? द अवार्ड इज गिवन इन इमरजेंट लीडरशिप ओनली. तो जो लास्ट वाली कैटेगरी थी ना दिस वन, अब सिर्फ ये रह गई है. राइट तो इसमें दिया जाता है. और कभी कभी ऐसी कुछ नॉन परमानेंट कैटेगरीज भी हैं जिसमें दिया जाता है, बट इमरजेंट लीडरशिप इज द मेन कैटेगरी जिसके हेड के अंदर ही दिया जाता है मोस्टली. ठीक है इट्स प्रेजेंटेड इन अ सेरेमनी व्हिच इज व्हिच हैपेंस इन मनीला. मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस. ठीक है एवरी ईयर ऑन 31 अगस्त, फिक्स डे 31 अगस्त को दिया जाता है. वाई 31 अगस्त अगेन? 31 अगस्त को क्यों दिया जाता है? ऐसा क्या है 31 अगस्त के बारे में बताओ. बर्थडे? करेक्ट. तो आई टेल टेल यू बर्थडे या डेथ है. ठीक है सो द अवार्ड. अच्छा ये तो इसमें ओ ऐसे में लिखना भूल गया. चलो ठीक है आप ही बताओ व्हाट इज इट. आई टेल यू द करेक्ट आंसर. बर्थडे या डेथ एनिवर्सरी है? सो इट्स द बर्थडे ऑफ रामन मैग्सेसे. ठीक है बर्थडे. राइट तो अवार्ड एशिया के मेनली जो भी ऑनर्स वगैरह होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं. बताओ हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामन मैग्सेसे. इंडियन फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ये मिला था? एनीबडी? गुड इट्स विनोबा भावे. है ना विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस पर्टिकुलर यू कुड से अकॉम्प्लिशमेंट दिस पर्टिकुलर प्राइज. तो यहां पर ये बहुत क्लियर हो जाता है. इट डज सो विदाउट लाइक एनी रिगार्ड टू योर रेस, क्रीड, जेंडर, नेशनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर एक पर्टिकुलर फील्ड है उसमें आपने काम किया तो आपको मिलेगा. राइट तो यहाँ पर विनर ऑफ द अवार्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज सिलेक्टेड एनुअली बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रामन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन. तो इनको इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चूजेस देम. आपको याद है जब वी डिस्कसिंग अबाउट द नोबेल प्राइज तो हमने डिस्कस किया था कि भाई स्वीडिश रॉयल सोसाइटी है, एक एक नॉर्वेजियन ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू इट. तो वैसे यहाँ पर भी इट इज द रामन मैग्सेसे अवार्ड फॉर फाउंडेशन. राइट और $50,000 का कैश प्राइज मिलता है. तो $50,000 इज रफली तो काफी सारे पैसे हो गए जो 40 लाख से ऊपर हो गए. अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है बट अ लॉट ऑफ वर्क गोज बिहाइंड इट. है ना कितने साल से, कब 20 25 30 साल से लोग काम करते हैं तो मिलता है. राइट सो रामन मैग्सेसे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. सेवन प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस ऑलरेडी डिस्कस दिस. ठीक है तो 53 से लेके 57 तक ही वाज द प्रेसिडेंट. देन 59 में दे स्टार्टेड एन अवार्ड इन हिज नेम. 31 अगस्त को उनका बर्थडे आता है. ठीक है दैट इज वाई इट्स अवार्डेड एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे. ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. ठीक है इनका पूरा नाम तो काफी बड़ा है, रामन डेल फियरो मैग्सेसे. राइट तो नोटेबल अवार्डीज बता देता हूँ. दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. फर्स्ट 1958 में इंडियन को मिला था. राइट तो यहां पर एक सेकेंड, नहीं मैं इस ईयर कंफर्म कर लूंगा एक बार. ठीक है तो विनोबा भावे वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू गेट इट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप. दलाई लामा आल्सो गॉट इट इन 1959. दिस वन ऑफ सम ऑफ द नोटेबल पीपल. है ना उसके बाद में
इंडियंस की बता रहा हूँ मैं आपको मेजरली, ठीक है, चिंतामन देशमुख, मदर टेरेसा, अरुण शोरी, है ना, महेश्वता देवी, तो दीज पीपल हैव गॉटन इट. अभी रिसेंट टाइम्स में देख सकते हो रवीश कुमार गॉट इट इन 2019, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको कभी पूछे जा सकते हैं बिकॉज दीज आर क्वाइट नोन नेम्स, राइट. अरविंद केजरीवाल गॉट इट इन 2006, राइट, वेन नो बडी न्यू अबाउट इट, ठीक है. किरण बेदी गॉट इन 94, अंशु गुप्ता, सोनम वांगचुक. सोनम वांगचुक के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा, ही केम टू केबीसी आल्सो वेरी बिकेम क्वाइट फेमस, पीपल स्टार्ट टू नो अबाउट इट. द गाय दैट वाज शोन इन थ्री इडियट्स एज एज फुनसुख वांगडू, है ना, सो दैट इज एक्चुअली सोनम वांगचुक. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर सेशन यहाँ पे, है ना. सो आज द सेकंड टॉपिक वॉज प्रिटी क्विक, है ना, काफी आसान सा टॉपिक था. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड एंड दैट्स इट. आज एक काम करते हैं, वी कैन टेक सम डाउट्स इफ देर आर एनी, बिकॉज फिनिशिंग द क्लास क्वाइट अर्ली. सो आप मैं 5 मिनट आई कैन टेक योर डाउट्स एज वेल. बताओ, हाँ लाइक कर दो यार, ये तो कर ही सकते हो आप एटलीस्ट, एवरीबडी इज वॉचिंग इट कैन लाइक इट. नाउ आई कैन टेक योर डाउट्स इफ देर आर एनी. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को बता सकते हो. एक सेकेंड. ठीक है, दैट्स इट. लीगल का जो हमारा वो क्या कहते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन का वो बचा है ना, वो मैं परसों रिलीज कर दूंगा एक तो, है ना. अब वो थोड़ा सा और फ्रीक्वेंटली करेंगे, डोंट वरी. ओके, हाँ सीए मैराथन भी कर लेंगे, एक दिन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीए मैराथन वी कैन डू दिस संडे ऑल्सो, है ना. आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस संडे. उसके अलावा अगर आपको रेगुलर भी क्लासेस चाहिए तो हमारे ऐप पर आ जाओ, है ना. दे आर नॉट अ वेरी बिग बर्डन ऑन योर पॉकेट, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, दे विल हेल्प यू. कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है. कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लान बहुत कर लेते हैं लेकिन फिर कर नहीं पाते उस हिसाब से. अब क्लास होगी तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं बचता. तो कभी कभी थोड़ा पुश चाहिए होता है, तो दैट विल हेल्प यू इमेंसली देयर. सो यू कैन ट्राई इट आउट, आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सजेस्ट इट टू यू, बाकी इट्स योर कॉल, है ना. कैसे पढ़ाते हैं वो तो आपने देख ही लिया है, वो तो आप रोज ही देख रहे हो, तो उसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं है मजियो में, है ना. और उसके अलावा वो क्लासेस आपको हेल्प ही करेगी, सो ऑब्वियसली कंसिडर दैट, राइट. सो दैट्स इट आई गेस, है ना. हम लोग मिलते हैं फिर वापस से कल, एंड आई विल सी यू अगेन इन माय क्लासेस. दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, बाय.